साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है, लेकिन इस बार अतिक्रमण हटाने गया बुलडोजर की चपेट में मां बेटी आ गई। ये पूरी घटना सोमवार की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर देहात के मैथी तहसील के मडौली पंचायत के चहला गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम पर मां बेटी की हत्या का दाग लग गया और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम मां बेटी की हत्या का दाग लग गया है उन पर। बता दें, अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें अतिक्रमण हटाने गया बुलडोजर की चपेट में मां बेटी आ गई। ये पूरा मामला सोमवार का है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर देहात के मैथी तहसील के मडौली पंचायत के चहला गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम पर मां बेटी की हत्या का दाग लग गया है और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे, वहीं कानपुर से संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले कानपुर से अनिल का रुख करूंगी। अनिल, कानपुर में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है? उपक्रम हुआ था, उसके बाद लगातार सियासत गर्माती चली जा रही थी, जिसमें दो माँ बेटी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद लगातार गांव वालों में काफी गुस्सा था। गुस्से के चलते रात वहां पे एडीजी और समस्त जितने भी आला अधिकारी थे सभी लोग पहुंच गए थे। हालांकि एडीजी ने तुरंत ही आदेश दिया था और आदेश के बाद लगभग 12 लोगों को नामजद व 39 लोगों के नाम मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद लगातार सभी फरार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही गाँव वालों ने बात रखी कि अगर किसी की गिरफ्तार जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी सभी की, तब तक हम मिट्टी को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले की खबर है कि लेखपाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेखपाल गिरफ्तार होने के बाद अभी बड़े अधिकारी जिसमें SDM भी हैं जो फरार चल रहे हैं, इसमें जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं सभी फरार हैं। हालांकि सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है और लगातार सियासत इसको लेकर गर्मा रही है। सियासत की बात करें तो कानपुर से बहुत से ऐसे सपा के नेता थे जो पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके नज़रबंद कर दिया है। हालांकि सभी अपना अपना वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि हमको इस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर देहात में एक बड़ा का कांड हुआ है जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार घेरे में आ गई है और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार एक धार्मिक एक जात का रूप दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण परिवार से आते थे तो इसको एक ब्राह्मण के तरीके से देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की लखनऊ से हमारे साथ विवांशु जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूंगी। विवांशु, कानपुर में बड़ा हादसा हुआ, मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई है, वही सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इन मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक बार फिर से मैं विवांशु का रुख करूंगी। विवांशु, आपका आवाज आ रही? बता दें, इस घटना पे माँ और बेटी की मौत हुई थी, वहीं इस पूरे मामले पर पिता और भाई का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। SDM लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चुटकुआरा, ब्रजेश निर्मल, मिल के आके सब लगा दी, घर में आ गई, मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर, और पापा
जला के आग ही लगा दी ने, मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी ने, नल तोड़ दी ने, सब पेड़ सब गिरा के आग ही लगा गई। मम्मी जो मिट्टी इसके, इसके, इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम वीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की ना। ये लोग आए डीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित अनिल दीक्षित पुतनिया दीक्षित बड़े वो दीक्षित है, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी हम लोग अंदर आ, तो जो है और बाकी तो निकल गया, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब नहीं, जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी, वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में। एक बार फिर से मैं विवांशु का रुख करूंगी। विवांशु, इस पूरे मामले पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी भैया, आपको बता दें कि अब अगर बात करें तो तत्काल में ताजा अपडेट, तत्काल में कानपुर के कमिश्नर राजशेखर दीक्षित के द्वारा परिवार वालों को मना लिया गया है, वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हो चुके हैं। वही अगर बात करें तो तत्काल में विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और साथ ही साथ भीम आर्मी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। साथ ही आपको बताएं कि जो पीड़ित परिवार है वो पूर्व में लगातार मांग कर रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और हमसे मिले, हमें आश्वासन दे, उसके बाद हम अंतिम संस्कार के लिए राजी होंगे। वही आपको बताएं कि अगर देखिए तो तमाम विपक्षी दल को समाजवादी पार्टी के सियासत गरमाती हुई लगातार नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी कर रही हैं, तमाम बातें कह रही हैं। प्रशासन की तरफ पर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना, अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया है उनका? जी मैं बता दूं कि जब एडीजी से इस संबंध को लेकर बात हुई है तो एडीजी ने कहा है कि हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं और साथ ही यहाँ के मंडला आयुक्त राजशेखर भी लगातार परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कुछ मांगे थी जिनको मांगों को लेकर कि उनके दो बच्चे थे उनको सरकारी नौकरी और साथ ही 50 लाख का लगभग मुआवजे की भी मांग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज को लेके थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो राजनीति है बहुत ज्यादा गर्माती चली जा रही है और कहीं ना कहीं सभी आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि शाम तक जितनी इसको इस मामले को देर होती जाएगी कहीं ना कहीं राजनीति का पारा बिल्कुल चढ़ता चला जाएगा और राजनीति इस पे लगभग होती रहेगी। अभी जब कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने बोला था कि सीधे उन्होंने एक बड़ा आरोप यहाँ के जिलाधिकारी नेहा जैन पर लगाया था कि कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को सता रही हैं और ब्राह्मणों को सताने की वजह से ही सब चीजें हो रही हैं। अभी कोई लगभग एक महीने पहले इसी मामले को लेकर जो मृतका है वो पहुंची थी, डीएम को ज्ञापन दिया था जहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें डीएम काफी नाराज हुई थी, नाराज होने के बाद उनको वहां से भेजा था। हालांकि एक महीने पहले लगभग मृतका ने डीएम से बोला भी था कि यदि इस पर कार्रवाई की जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज प्रकरण फिर से सामने आया है। हालांकि रात को जब मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस चीज पे बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद महिला हूं और एक महिला अगर मरती है मेरे होते हुए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जिला मंत्री हैं उन्होंने भी डीएम के ऊपर निशाना साधा है और साथ ही देखने वाली बात होगी कि आगे अधिकारियों की किस पे कार्रवाई होती है। हालांकि घर वालों को सीधा सा आरोप है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तब तक हम यहां से मिट्टी को जाने नहीं देंगे। जी जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से मैं विवांशु का रुख करूंगी।
विवांशु, इस पर पूरे मामले पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये दो मौतों का जिम्मेदार कौन है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का बुलडोजर चला, उससे दोनों मौतें हुई हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जो बयान दिया है वो जांच के बाद साफ होगा, मगर देखे तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मामले को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं घटनास्थल उससे जाने से पहले रोका जा रहा है। और कानपुर देहात के कमिश्नर ने सूझबूझ के साथ जो प्रधानमंत्री के साथ एक प्रदर्शता की है बातचीत के, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए कि प्रतापगढ़ सौ उठाने को राजी हुए हैं। और वही अगर बात की जाए तो देखने वाली बात ये होगी कि लेखपाल और साथ ही साथ जीएसपी ड्राइवर जो वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। अब तक बात करें तो मैयाम में 39 लोगों का नामजद है। अब आने वाले समय में इस पे और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद विवांशु, तमाम जानकारियों के आगे भी नजर बनाए रखिएगा। बता दें कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं विपक्षी पार्टियां पीड़ित के परिजनों से मिलने जा रहे थे, जिनको आते रास्ते पर ही रोक दिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टियां हाथ में बुलडोजर लिए हुए हैं लगातार। कृष्ण गोपाल जी, ये आप जीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल, कृष्ण गोपाल जी, ये आप जीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल, कृष्ण गोपाल जी, ये आप जीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित। बीच रास्ते पर ही रोक दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विपक्षी पार्टियां हाथ में बुलडोजर लेकर नजर आ रही हैं, आक्रोशित नजर आ रही हैं।
लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के दूसरे दिन भी कई सेशन हुए। सेशन में साइबर क्राइम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान 20 देशों के वित्त मंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें साइबर क्राइम पर चर्चा हुई, 20 देशों के वित्त मंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, G20 समिट का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास है? दूसरा सम्मेलन है और इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि कल के बाद ये दूसरी बैठक है। आज के इस बैठक में साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा जो है इस पर बात की गई और G20 ग्रुप के जो 20 देशों के वित्त मंत्री है वो यहाँ पे आए हुए थे। इस साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पे बात हुई थी। कल की जो बैठक थी वो डिजिटल करेंसी के मुद्दे थी, डिजिटलाइजेशन के मुद्दे पे थी, जहाँ पे डिजिटल करेंसी की बात की गई, डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई। आज जो मुद्दा साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा सामने आ रहा है, इस प्रकार की बातें हैं कि साइबर सिक्योरिटी किस प्रकार से जो है वो किसी भी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों में देखा है किस प्रकार चीन के ऊपर आरोप लगे थे कि इथिकल हैकिंग पे वो अमेरिका और भारत जैसे देशों को साइबर थ्रेट पहुंचा रहा है और जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके डेटा चुराने की कोशिश की जा रही है। G20 का जो ग्रुप है वो इन 20 देशों में कुल दुनिया का 75-80% तक ट्रेड होता है। काफी ज्यादा जो मार्जिन है। विवेक, जानकारी के मुताबिक विदेशी मेहमानों को लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहरों को का दीदार करवाया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मेरे G20 में जितने भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं आज दोपहर 12 बजे से जो है इमामबाड़ा और तमाम जितने भी जगह है जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और उसके बाद से यहाँ विदेशी मेहमानों का पहुंचना लगातार जारी रहा है। और ये विदेशी मेहमान मीटिंग करने के बाद जो है लखनऊ से रूबरू हो रहे हैं। लखनऊ की प्राचीन धरोहरें, इमारतें, स्थलों और पार्कों का भी जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर वो इनसे रूबरू हो रहे हैं, लगातार जो है लखनऊ की प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनसे परिचित हो रहे हैं। चाहे वो इमामबाड़ा हो, भूलभुरैया हो, रेसिडेंसी हो या फिर रूम दरवाजा हो। और यहाँ से मेहमान लोग 12 बजे के बाद से मेहमानों का आना शुरू हो गया था। विदेशी मेहमानों का बकायदा उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी और अलग से इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। कुल 5 जो जोन है, अलग अलग लखनऊ के जो 5 जोन है वहां से 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया हुआ था बकायदा G20 के लिए और उनकी एक टुकड़ी जो है मेहमानों के साथ जो है लगी। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर काम करेगा। इसके साथ मुख्य 14 बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, आज कैबिनेट की बैठक हुई, कितनी महत्वपूर्ण रही ये बैठक? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की। उस बैठक में सभी मंत्रिपरिषद के लोग उसमें शामिल हुए और सबसे बड़ा अहम मुद्दा उसमें कैबिनेट में ये रहा, चीनी गन्ना मूल्य को लेकर के सबसे बड़ा प्रस्ताव आया और सातवें वेतनमान जो संविदा कर्मी है उनके लिए सातवें वेतनमान का जो प्रस्ताव है उसको भी पास किया गया है। सबसे अहम जो रहा वो लगभग जो वेतनमान इनका जो पास किया गया है सातवां वेतनमान संविदा कर्मियों का, तो तकरीबन 29 करोड़ रुपए का भारत व्यय और सरकार के ऊपर आने वाला है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही, जो प्रस्ताव अभी कैबिनेट से पास हुए हैं वो चीनी मिलों में जो पिराई का है, समय चल रहा 2022-23 का, उसके लिए बजट पेश किया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि करीब 150 ITI जो कॉलेज है उनको और हाईटेक बनाने के लिए तकरीबन 4,282.96 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। तो कुल मिलाकर के अपनी बात जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं अब ITI कॉलेज को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको तो बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की, बैठक में अपने मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री थे उनके और जो भी जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने वार्ता की।
जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, समिट के दौरान जो भी निवेश उत्तर प्रदेश में आए हैं उसको लेकर के उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की है और इसको साफ तौर पे उनसे कह दिया है कि वो अपने अपने जहां जहां वो इन्वेस्टर्स के लिए गए हुए थे, जिन जिन शहरों में गए थे, वो वहां पर जाए और धरातल पर उतर कर देखें कि आखिर वहां पर किस तरीके से अब इस तारीख की योजना की तैयारियां की जा सकती है, कैसे जमीन मुहैया कराया जाएगा, इस तरीके की कुछ खास जानकारियां। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। और बात अब ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को आज से ठीक चार साल पहले रुला दिया था। बात पुलवामा हमले की, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। आज हर कोई उनको अपने ही अंदाज में याद करके नमन कर रहा है। पुलवामा के शहीदों को प्रधानमंत्री से लेकर हर किसी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इस हमले का दर्द आज भी ताजा है। 14 फरवरी 2019 में हुए इस हमले का दर्द आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। वहीं इस पर सभी नेताओं ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई हैं और पुलवामा हमले में शहीद जवानों को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अपने वीर नायकों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, कायराना पुलवामा आतंकी हमले में बलिदान हुए मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इन सब के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि पुलवामा के शहीदों को योगी सरकार भूल गई है। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी। इस अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद जार था। इसके अलावा हमला में सरताज भट्ट, मुदसिर अहमद खान जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 शहीदों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं आज भी इस दर्द को देश भुला नहीं पाया है। प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी बहन जी, आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो ब्लैक डे के दिन में मनाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी सख्त साबित हुई हमारे और वहाँ पे सभी जो सभी जवान जो मौके पर ही सबकी मौत हो गई है। फैलाए कुल मिला के देखा जाए तो उसमें बड़े बड़े प्रमुखों में से जो मोदी लोग हैं, आदेश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सभी ट्वीट करते हुए कई माओ बेटे को खोया, कई पत्नी हो, कई पत्नी विधवा हो गई और कुछ ही दिन के बाद भारत सरकार से भारत की भारतीय सेना ने इसका बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया, क्योंकि हिसाब सब निकाय पूरे घटनाक्रम से पूरे हादसे से पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ही भारतीय सेना ने बिना
और वहाँ पर बिना किसी साथी सेना वहाँ पर दूसरी उन वहाँ पर लोगों को मार किया बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद से बहुत बड़ी शहादत हुई और तकरीबन देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति थी हमारे देश के लिए। 40 के ऊपर जवानों की शहादत शहीद हुए थे और एक दर्दनाक हादसा था। इस हादसे को जितने भी देखा जितने सुना उसकी रूप आ गई, उसके आँख में आंसू नहीं रुके और जो माओं उनके परिवार के साथ उनका विरोध थे एक कार इतनी लोग शहादत और वो भी किसी तरह के मान के बहुत ही होता है ना। अब तक के पाकिस्तान जो आतंकवादी आतंकवादी संगठन था उसको भारतीय सेना ने तुम तुम मारा और तुम तुम इनकार से मारा और कुल मिला के जो है उसको बदला बहुत ही बेहतर तरीके से लिया गया और किसी भी तरह की चूक नहीं हुई भारतीय सेना से। जी धन्यवाद सागर हमसे जुड़ने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।